हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर डिस्कसिंग आंसर सीट्स फॉर CCS LLM यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन आस्क इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वी आर डिस्कसिंग सो फार टिल 13 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस सो फार। 14th क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग नाउ। 14th क्वेश्चन इज दिस, लाइक द प्लेंटिफ वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट अ स्टेडियम ऑर्गेनाइज बाई द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड बाई अ माइटी हिट from the batsman. In this case, who is liable to pay the damages of the plaintiff? बताइए कौन damages का liable होगा। क्या वहाँ पे कोई किसी तरह का ये हुआ था कि यहाँ पे अगर बैठेंगे तो damage अगर हो गया तो कोई BCI जो क्रिकेट क्लब है वो पेमेंट करेगा इसका? नहीं, ये एक एक्सीडेंट हुआ एक तरह से, जो कि जानबूझकर नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन liable होगा? None of the above. आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहा गया, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। बट वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज गुड इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। रीड द अबव स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो। तो देखो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, इसमें कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज कंडीशनल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एज बोथ आर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ही केस में हुआ है, चाहे सेल हुआ हो चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो, तो दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? When a negotiable instrument is dishonored, the party liable to pay become bound to pay the compensation to. जब negotiable of instrument act dishonored हो जाता है, ठीक है, जब ये dishonored होता है तो party liable to pay become bound to pay the compensation to the bank, to the endorser, holder and endorser, okay? होल्डर और इंडोजर या फिर द कोर्ट। तो इसका आंसर होगा होल्डर और इंडोजर। क्वेश्चन 16 का आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट बाय मीन्स ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय द पार्टीज, डिस्प्यूट्स आर आर्बिट्रेरी, ठीक है। इसमें आंसर्स दिए गए हैं, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आंसर जो होगा 17 का सी ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, राइट। तो 17 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे मध्यस्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ अधिकरण द्वारा राज्यों के बीच वादों का निपटारा किया जाता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक असही स्पष्टीकरण करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर आर गलत है, डिस्प्यूट्स आर आर्बिट्रेरी, ये गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये इसका ऑप्शन होगा सी, 17 का आंसर होगा क्या? सी। नाउ 18 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन कह रहा है, नो कस्टमर इन द 1000 रिवर, रीड द कंडीशन, इफ ही हैड स्टॉप टू डू वी वुड हैव बी मिस द ट्रेंट ऑफ आर बोट, दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाई, ये किसका ऑब्जर्वेशन था?
ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नो कस्टमर इन द 1000 एवर, हजारों में से कोई एक कस्टमर भी रीड द कंडीशंस कंडीशंस को नहीं पढ़ता है। इफ ही हैड स्टॉप टू डू, ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन और द बोट। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाई, यदि वह ऐसा करने के लिए रुक जाए तो उसकी गाड़ी अथवा नाव छूट जाएगी, यह कथन किसने कहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस डिसीजन है, केस लॉ है। तो ये इम्पोर्टेंट केस लॉज है, ये है थ्रोटन वर्सेस शू लैन पार्किंग लिमिटेड का केस। थ्रोटन वर्सेस शू लैन पार्किंग लिमिटेड का केस जो था, इसमें देर वॉज दिस केस वॉज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट कस्टमर ऑन बीइंग हैंडेड द टिकट कुड रिफ्यूज इट। ठीक है, जो कस्टमर है जिसके पास ये डील थी वो उसको रिफ्यूज भी कर सकता था एंड डिक्लाइन कर सकता था वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। कस्टमर जिसके पास ये डील थी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन कर सकता था और उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से बच सकता था। दैट कुड आस्क हिज मनी बैक एंड अपने पैसे को वापस ले सकता था। दैट थ्योरी वॉज ऑफ द कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ फिक्शन। नो कस्टमर इन 1000, ये कल्पना मात्र ही क्योंकि क्योंकि बहुत से थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स में से कोई भी ऐसा नहीं होता जो पूरी तरह से सारी कंडीशंस को रीड करता है कॉन्ट्रैक्ट की। इफ ही हैड स्टॉप टू डू सो, अगर वो ऐसा करने के लिए रुक जाएगा, ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन ऑफ द बोट, लगता है ऐसा कि उसकी ट्रेन ही छूट जाएगी। ठीक है, तो जज जो जो इसमें सिटिंग जज थे तो लॉर्ड डेनिंग थे, और इसमें ऑप्शन में लॉर्ड डेनिंग है एंड अदर्स जजेस हैं लाइक विल्मर हैं, मैगाउ हैं। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड डेनिंग है जो इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें जो आंसर सीट है जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या आया है। ठीक है, तो लॉर्ड डेनिंग इज ऑप्शन सी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडियन पिनल कोड, ठीक है, तो यहाँ पे नो कस्टमर इन 1000 एवर रीड द कंडीशन, इफ ही हैड स्टॉप टू डू ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन और द बोट। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय लॉर्ड डेनिंग। मैंने ऑलरेडी समझाया किससे, बहुत एक केस लॉ के थ्रू समझा दिया इसको, थ्रॉटन वर्सेस शूल एंड पार्किंग लिमिटेड में ये कहा गया है, दीज केसेस वर बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट द कस्टमर ऑन बींग हैंडेड द टिकट कुड रिफ्यूज इट। यानी कि अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले सही से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ले और उसमें अगर उसको कोई कंडीशन ऐसी नजर आती है तो वो उसमें एंटर ही ना करे, उसको रिफ्यूज कर सकता है। कुड रिफ्यूज इट एंड डिक्लाइन टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से कस्टमर डिक्लाइन कर सकता है, लेकिन ऐसा 1000 में भी नहीं हो सकता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है या फिर वो जरूरत नहीं समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हैं। तो इसको एक जो सिटिंग जज है लॉर्ड डेनिंग, इन्होंने डिसाइड किया था, तो ये जजेस थे उसमें, और ऑप्शन में लॉर्ड डेनिंग है हमारे, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन पिनल कोड, नो मोर डिनोट पॉजिटिव एवल। क्वेश्चन पढ़िए, 19 क्वेश्चन, इंडियन पिनल कोड, नो मोर डिनोट पॉजिटिव एवल, नो मोर नो इन कोड नो मोर डिनोट पॉजिटिव एवल इंटेंट फॉर द फिक्सिंग लाइबिलिटी। हाउ वेयर देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एक्ट विच सिग्निफाइज वांट ऑफ केयर एज कल्पेबल रिजल्टिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, वॉट इट इज नोन एज। राइट, इसमें 19 क्वेश्चन जो है, 19 क्वेश्चन बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता अब दायित्व को निर्धारित करने के लिए सकारात्मक बुरे आशय को अव्यक्त नहीं करती है, यद्यपि कर्तव्य की अवमानना से उत्पन्न देखभाल की कमी से संबंधित कुछ कृत्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं, इसे क्या कहते हैं? जो आपराधिक श्रेणी में आते हैं दोनों भी हो सकते हैं, रैशली भी हो सकते हैं, नेग्लिजेंस के कारण भी हो सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी, रैशली एंड नेग्लिजेंस, जैसे कोविड का है, कोविड में क्या है, तुमने मतलब जो बंदा पिक कर रहा है और सपोज उसको पता ही नहीं है कि
इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन वो कर रहा है नेग्लिजेंसली कर रहा है, या फिर कोई बाइक ड्राइव कर रहा है, स्मूथली रोड पे ड्राइव करे जा रहा है और रैशली ड्राइव कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं है वो, लेकिन वो रैशली ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड में नो मोर डिनोट पॉजिटिव एल इंटेंट ऑफ उसकी उस वो रैशली ड्राइव कर रहा है, उसकी कोई इंटेंशन एविल नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि मैं ड्राइव करते हुए किसी को ठोक दूँ, लेकिन वो रैशली कर रहा है, अपना ड्राइव कर रहा है मस्ती से, तो उसको तो जिसकी एविल डेड नहीं एविल कोई इसकी इंटेंशन नहीं थी कोई कि वो इस तरह से कोई किसी को हार्म पहुंचाए, लेकिन अगर किसी को हार्म पहुंच जाता है तो वो उसने कुछ कृत्य, वो कृत्य जो है आपराधिक श्रेणी में आते हैं, जैसे कि रैशली रैशली ड्राइविंग या नेग्लिजेंस, ये दोनों ही केस आपराधिक श्रेणी में आते हैं। तो 19 का ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। नाउ 20 क्वेश्चन कह रहा है कॉमन इंटेंशन के बारे में। तो कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन इम्प्लॉयड आर प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड प्रायर कंसल्टेशंस बिटवीन ऑल द पर्संस, ठीक है, कमिटिंग द क्राइम। कॉमन इंटेंशन जो है, कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज अ प्री अरेंजमेंट प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन ऑल ऑफ द पर्सन कमिटिंग द क्राइम। सामान्य आशय से पूर्व व्यवस्थित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच मंत्रणा नहीं है। तो ये ऑप्शन ए लुक्स वेरी करेक्ट, ठीक है। द लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सन और द पार्ट प्लेड बाई द देम इन डूइंग द क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कृत्य को करने वाले व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा अपराध में निभाई गई भूमिका, इन दोनों के बीच कानून किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। देखो ये आर तो है, लेकिन आर का ए से कोई लिंक लग रहा है नहीं, यहाँ ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका ऑप्शन बी सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नाउ 21 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं है, बताइए अब क्लियर। हाँ 21, ठीक है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट सेड दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड ड्यू ज्यूरी रिकॉग्निशन इज पॉलिटिकल रेदर देन लीगल। निम्नलिखित में से किस मामलों में अदालत ने यह कहा है कि वस्तुता या विधिता मान्यता में अंतर, वस्तुता एवं विधिता मान्यता में अंतर राजनीतिक है, विधिक नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डी फैक्टो एंड डी जीरो रिकॉग्निशन इज पॉलिटिकल रैदर देन लीगल। तो 21 का सही आंसर होगा बी, 21 का सही आंसर होगा बी, मैंडी के केस में कहा गया था। 21 का सही आंसर होगा बी, ठीक है। अरंत राजू मैंडी केस, इसमें कहा गया ये, ठीक है। 22 22 क्या क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन कह रहा था टू फाइंड द मेंस रिया इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट द एक्ट वाज इंटेंडेड, देयर मस्ट बी रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस द एक्ट ऑफ कॉजिंग इंजरी टू अनदर द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, ठीक है। आपराधिक मनस्थिति को जानने के लिए आवश्यक है कृत इच्छित कृत, द एक्ट वॉज इंटेंडेड, उसकी इच्छा से किया गया था, ठीक है। इसका परिणाम आना अनिवार्य था, ऐसा कृत्य जिससे दूसरों को क्षति पहुंचे, ठीक है। और तत्वों के अस्तित्व का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट। टू फाइंड द मेंस रिया इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट द एक्ट वॉज इंटेंडेड। देखो मेंस रिया क्या होती है, मेंस रिया है पहली सीढ़ी किसी अपराध की, व्हेन इट इज जस्ट कम्स इनटू थॉट, उसके दिमाग में आई, ठीक है। द एक्ट वाज इंटेंडेड, कृत्य इसकी इच्छा थी, देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम आना अनिवार्य था। द एक्ट वाज कॉजिंग इंजरी टू अदर, वो एक्ट ऐसा एक्ट जिसका दूसरों को क्षति पहुंचा सकता था। द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, इसमें यही पर्याप्त है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट है और वो मेंस रिया आ रही है, द एक्ट वॉज इंटेंडेड, तो इसमें नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 22 का 23 23 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द एक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन
प्रॉस्टिट्यूशन इट बिकम्स पब्लिक न्यूशंस, ठीक है। द एक्ट इज कैरिड आउट द एक्ट इज कैरिड आउट ऑन इन हिडन मैनर, द एक्ट हैज रिजल्ट विद एन इंजरी टू एन इंडिविजुअल, इट मस्ट बी द केस ऑफ बेयर सॉलिस्टिकल कस्टमर इन द पब्लिक प्लेस, ठीक है। छिपकर किया गया कृत्य, किसी व्यक्ति को इस कृत्य द्वारा आघात, ऐसा कर जिसके सार्वजनिक स्थानों में ग्राहकों को केवल लुभाने का कार्य किया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इन विच ऑफ द एक्ट प्रोस्टिट्यूशन इट बिकम्स अ पब्लिक न्यूसेंस, तो इसमें से ऐसा कोई भी मैटर नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। लाइबिलिटी फॉर कल्पेबल होमोसाइड कैन बी फिक्स्ड इफ डेथ इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आपराधिक मानव वध के लिए जिम्मेदारी निर्धारित हो सकती है यदि वह मृत्यु शब्दों के प्रभाव के कारण हुई हो, इफ इट रिजल्ट इन एन एक्साइटमेंट, इफ द एंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज बिकम द रिजल्ट, बाई द एबसेंस ऑफ द अवॉइडेबिलिटी ऑफ सफर फ्रॉम द लिंगरिंग टॉर्चर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 24 का डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा 25। 25 है क्वेश्चन। एक प्राकृतिक नेचुरल विधि है रोसियो, रोसियो इज अ जेन्यून लाइक फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ नेचर लॉ, हु सेड दिस। यह प्राकृतिक विधि के इतिहास में रूसो, रसियो, ठीक है, रूसो एक जेन्यूस की तरह व्यक्ति है, यह किसने कहा। रूसो इज जेन्यूस लाइक फिगर, रूसो जो है एक जेन्यूस की तरह व्यक्ति है, जो रूसो है वो जेन्यूस की तरह एक व्यक्ति है, ठीक है। रूसो इज जेन्यूस लाइक फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ की हिस्ट्री में रूसो जो है एक जेन्यूस की तरह व्यक्ति है, ठीक है। हु सेड दिस, ये किसने कहा है, हबीज हॉब्स ने कहा है, जे एस मिल ने कहा है, लॉक ने कहा है, या बारकर ने कहा है। इसका सही आंसर जो है 25 का सही आंसर है वो है डी, यह है बारकर इसका सही आंसर है। 25 का डी इज करेक्ट आंसर, 24 का भी मैंने डी बताया था, 25 का भी डी आंसर करेक्ट है। अब 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग ए डिस्प्यूट बिटवीन अ सिटीजन एंड द स्टेट, ठीक है, सिटीजन और स्टेट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, टू स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन अनदर साइड। तो इसका सही आंसर है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स, ठीक है, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। 26 क्वेश्चन राइट, अब हम बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ।